हमारे समाज की वीर कहे जाने वाले हमारे युवा जांबाज सिपाहियों, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं बहने, और सबसे पहले तो मैं जो हमारी देवी माता है बाला सुंदरी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ की धरती पर आकर जो आप लोगों ने इस समाज का मान बढ़ाया, मैं आपको बार बार और धन्यवाद के पात्र हैं। सम्मानित साथियों, जैसा नोएडा की महापंचायत हो या दो वहां तक मेरा जनपद में 24 घंटे में चला धरना। सम्मानित साथियों, कोई मांगेराम त्यागी कहो या कोई और कहो, ये वो समाज है जिन्होंने अपने हक से खर्चे से एक घर में अगर दो आदमी थे तो वहां जाने का काम किया। भाई मैं तो तीन पीढ़ी ये समाज का ऐसा नहीं भूलूंगा। सम्मानित साथियों, मांगेराम त्यागी इस समाज के चरणों की भूल है। मांगेराम त्यागी ने वो जो मंच मारा है वो खत्म करने का काम किया है। ये अगर समाज में हमारे प्रतिष्ठित आदमी सामने बैठते थे और आदमी मंचों पर बैठते थे, मंच का कवर केवल हमारे 90 साल का जो बड़ा दबाव होगा। सम्मानित साथियों, ये जो संगठन है त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज और जो हमारी जितनी भी शहरों में कस्बों में जिलों में जो सभाएं हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे। देखिए कुछ लोगों पर दर्द है, दर्द कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं, कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं भाइयों मांगेराम त्यागी जी चार दीवार दर्द होगा। भाई हमने तो 1 साल पहले बताया, तुम तो 60 साल तो मिल रहे। भाई सुनो, यहाँ की एक योजना चला गया मांगेराम त्यागी भाजपा के खिलाफ है। मेरे सभी सम्मानित लोग हैं यहाँ झाड़ू प्रसाद मोड़कर भाजपा में बैठा। मांगेराम त्यागी ने भी भाजपा को दे रखी, लेकिन अब यहाँ की सरकारों को पार्टियों को कोई भी पार्टियों में आपको बताना चाह रहा, हमारी भारत सरकार त्यागी का केस हुआ। हमारी भारत सुरक्षा त्यागी का केस हुआ, सबसे पहले राहुल गांधी ने चुनाव में ट्वीट किया, उसके बाद में चौधरी जैन सिंह ने ट्वीट किया, उसके बाद में दिनेश यादव जी ने ट्वीट किया, और फिर उसके बाद में छोटा सा आदमी है गणतंत्र भवन का मंत्री कपिल देव, वो कह रहा था मैंने दिया पर कप्तान को मार दिया, उसे गिरफ्तार कर रहा। उस दिन हमारी जिम्मेदार पंचायत की हमने दिया है कहा कि त्यागी समाज की पादल भाष समझोगे उसके बाद तुम पक्का त्यागी गिरफ्तार करोगे। भाई हमें एक बात पूछना चाहिए, दीपक हत्याकांड हुआ मेरे में, आप लोगों की सबकी वह वो लड़का भारतीय जनता पार्टी का कुछ अध्यक्ष है यहाँ पर मंत्री सुन रहे, ये जो मंत्री वो मुझे बताया दो जो यहाँ का या कोई विधायक उसका घर गया हो, बड़े शर्म की बात है। और मेरे पास पक्का देखिए मुकदमे हमने 8 में भी उस बच्चे का संभाला कहा गए। भाई दलितों की और मुस्लिमों की बात कर रहे हैं या भरने हरी धोली का, ये मैं तो दलितों को भी मानना हुआ ठीक कर रहे अपनी भाई उन्होंने सारी बात नहीं मांगी, और मुस्लिमों की बात क्या है मुस्लिम पहली धोली भरने तो हमें देंगे कब तू युवा सुनो, हम किसी के विरोधी नहीं है लेकिन हम किसी के बंधुआ मजदूर भी नहीं। हमारे 6 लोकसभा जागी थे, हमारे 6 लोकसभा जागी कान खोल कर सुने।
बात किया भाई 40,000 रुपए किस क्या है और मुझे आदमी को दिखा दो जो डीएम को कप्तान को फोन करता है या मैया तो करती हम अभी पीड़ा है हमारे बच्चे हमारे युवा उन लोगों से पूछ रहे को जिन्होंने अपने बच्चे केसीसी कार्ड करवा करवा कर बनवाए प्याज भी जमानी हो रहा बच्चों की नौकरी को खाली आरक्षण में क्योंकि इन्हें पिछड़ों की और मुस्लिमों की और दलितों की और एसएससी की और चाहिए महंगी चाहिए भाई भाई स्वर्णों को नौकरा स्वर्णों को कौन कहते हैं भेजना चाह रहे हैं एक स्वर्ण आयोग बना और हमारे बच्चे को ही डब्ल्यू एक्स का इन्होंने आपको धंधुना दे रखा इसको 27% आरक्षण कहा नहीं तो ईद से ईद मिला करके ईडब्ल्यू इसमें तो हमारे बच्चे हैं मैं आपको बताना चाह रहा आपके यहीं से 500 मीटर तक देवल चीनी मिल है लुहारा चीनी मिल है हाई कैडिट चीनी मिल है इनका डाटा खाओ तुम्हारे चार 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 बच्चे मान लगे वो जब हम पकड़ी लेकर जाओ वो मेरे सामने खड़े हो नहीं तो मुझे एक जब कितने बच्चे नौकरियों पर है क्योंकि जब हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है हम सभी पार्टियों पर आए और नहीं तो बंधुआ मजदूर ने बाहर से घर चलेगा ताकि समाज भी देखे चुनाव लड़वा लेंगे ये तो पहले कहता चला भाई क्या की घोड़े क्या की घोड़े कौन का है भाई क्या की घोड़े केंद्र करो भारत का घोड़ वाली पंडुके क्या को घोड़ का 2.5 लाख करता है जो हमारे बच्चे कांग्रेस सरकार में या पहली सरकारों में नौकरी पर लगे ना उनका भी इलाज धरना काम कर रहे हैं और मैं अपने सम्मानित भाइयों से सब तक कहना चाहूं कि आज पूरे पश्चिम का जागरण हो इसमें हमारे पुलिस अधिकारी कितने आईएएस कितने आईपीएस कितने थानेदार कितने चौकी चार कितने एसडीएम इन्होंने सब दोनों लाइन बदल रखे हैं और आपको ये सोचना पड़ेगा उनकी कुछ मजबूरी है भाई समय आ गया टू एंड ढाई करोड़ मरेगा हम किसी को और कोई आगे न मांगेगा हम जाके उन्हें कमेंट ना चुनाव लड़ना और मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा ये परशुराम वंशज किसी का बंधुआ नहीं है और से आदमी थे भाई हमको भूपेंद्र चौधरी बन रखे वहां गाजियाबाद में और मैं कहूं मेरे सामने जो बैठा है और क्या की समाज ये परशुराम वंश
होता है। ये वही समाज है 1947 के बाद जब तक देश आजाद हुआ, चौधरी चरण सिंह पार्क में मेरा आप लोगों ने कमीशनरी में घुसने का काम किया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं बड़ी भाई। देखो मारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी ने मारी वोट काटी, 100% वोट चाहे 150 देंगे, मेरे लोगों चुनाव लड़वा लो भाई। अब मैं क्या हूं राज्यसभापति भाई, बधवा मजदूर नहीं चाहगा, देने वाले बनने देने वाले नहीं। और भाई मैं बुरे मन से कह रहा हूं यहां पर जवान बंधु बैठे, वो समाज बता दो जो 99% को और कह रहा भाई बाबू ये बैठे मेरे सामने रहते, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? दीपक त्यागी का पिता क्या बैठा है, दो बार लखनऊ में माननीय योगी जी से मिलन, इन पैमाना ना मुलाकात नहीं हो रही, जिसका पत्थर की गर्दन कटी। अभी हमारे त्यागी जी हैं गाजियाबाद से सवाल के खबर सभी, जब हमारे आंदोलन कर रहे थे वो भी कुछ का कुछ दिक्कत हमारे भी, वो हमारा हम सब कोई परवाह नहीं है। उसके लड़के में कहीं से लगाने का काम किया, वो आपका सच्चा आदमी है, भाई का आदमी है, जो अभी ना फसराना उसे बोलो रे बगौड़ मक्का सारी ऐसी कर देंगे, और घर का पानी अभी कच्ची भी उसको भेजे लाची भी उसको भेजे बोलूंगा और वो सुनो यहाँ कितने सम्मानित साथी बैठे, ये वे लोग हैं ये वो लोग हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश की लोकसभा विधानसभा को प्रभावित करते हैं। ये करीब बैठी एक कम में पिछले कम हजार आदमी है, दिमाग खोल का काम करते हो भाई, कोई अधिकारी किसी अधिकारी के दिमाग में जब आप लखनऊ तक या दिल्ली तक के त्यागी समाज को उत्पीड़न करेगा या किसी धमकी के खिलाफ कोई दिखे झुंझुना बना देगा झुंझुना, आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं भाई, हाथ हाथ करियो भगवान परशुराम महापुरुष है या भगवान है, एक सरकार का मान करते हैं इस मत के माध्यम से, क्या बिना महापुरुष का दर्जा भगवान का दर्जा देना नहीं कोई चीज जाएंगे भाई, परशुराम को महापुरुष का दर्जा नहीं भगवान का है। मैं छठवे अवतार के छठवे उस अपने आप को भगवान बन रहे, राम जी की बराबर हो ना तो भगवान बन रहे, मेरे परशुराम जी को महापुरुष बता रहे, या कोई भी चीज ने मेरा आप लोगों से भी कहना है मैं किसी की कोई नहीं करता, लेकिन और तो आसान सलाह कर दो यहां से कितनी भी है यहां कितनी भी लोकसभा है, मैं 5-5 साल 2000 तक जीती हुई और मेरी चर्चा जीती मुझे भूपेंद्र चौधरी ये कह रहा था भाई पर को मना दिए कह जी और बढ़िया आसान करा जैसे कर दिया एक और उसके अपने पास से रख दिया कि भी धाम तो बंद की जा इनका अपने पिताजी का जहाँ का घर वालों को पूछ रहे इनका घर जा कर और कितने दो मुझे घर चल के यदि का विधायक मंत्री संभलोगे प्रदेश अध्यक्ष संभलोगे और नारे वाले को कोई तक सीट रखोगे चलने वाली भाई, मेरा आपको वचन की वचन है कोई मांगेराम क्या की खुदा नहीं है मांगेराम क्या की मुखारी दो आप लोगों ने पन्नू इंदिरा की जो लड़ाई लड़ी बच्चों की लड़ाई लड़ी वो कोई आपका हमारा इससे काम नहीं था, वो समाज का था समाज की बहन बेटी थी, और कभी अगर किसी को कोई संकट आएगा तो भाई मांगे राम त्यागी बड़ी घर में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा आपस के मन को बुलाकर कोई समाजवादी पार्टी हो कोई भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रहा है कोई कांग्रेस है कोई बसपा है भाई महाराज हम लोग का दरवाजा बढ़ाते चले जाओ उसका पीछे लग जाओ
कि तू समाजवादी पार्टी का कहीं पर मिलना तो भाई अब तक किसानों नहीं है रसोई अगर कहीं का भाजपा का टिकट मिलना तो सोनी दौर का पंचायत और उनको अप्रूव करो। लेकिन हमारे बारे में भाई इनके लेकर ढीट बाकी ऊपर ढीट हो और भाई हमको खुदा मन से बात होता है मारा मारो को भी भाई ताकतवर सब नौ को समाज के बीच में हो मारा मारो को भी ताकतवर सरकार सब नौ है या समाज को समाज समझे बड़ी गाड़ी में बैठकर होटल में हूं हूं करके भाई चलने वाली चलने वाली बिल्कुल भी समाज के समाज का कोट रहा और समाज में रहो और नहीं तो कोट कहां का कश्मीर चले जाओ। हम दो महीने में वहां बैठे रहे मैं उन लोगों का धन्यवाद कर रहा जिन बच्चों पर लगभग पांच पांच छह छह मुकदमे है और उन्होंने राजनी भाई हम का प्रण बताए थे जब तक ये मामला छोटा नहीं होने का जब तक नहीं आएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद कर रहा और उनके परिवार को धन्यवाद दे रहा किन लोगों ने वहां थी या कुलदीप भाई जय खेल कहने सोनी हिमांशु वगैरह सब टीम थी वो जनपद मुजफ्फरनगर शाहरुख क्या पूरे पश्चिम का इन्होंने वहां पर चढ़कर हिस्सा लिया और भाई मैं खुला मन से कह रहा हूं कृपा भगवान को होनी लेकिन आपको अगर जिम्मेदारी दे रखी इतनी भी सारा श्रीकरण मेरे का पैसा सुनना नहीं है भाई मांगेराम क्या की ना तो गाड़ियों में भी करा ना रोटो में भी करा आपका टीचर बैठा नीचा आपके चरणों में बैठा मेरा आप लोगों से सभी से बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपने खर्चे से देखा सुनो अगर कोई महापंचायतों को रहने लगे करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा हो भाई और भाई मैं तो बता रहा मेरी जेब में तो सौ का नोट मिल गया मैं तो मंच पर बैठा मुझे नहीं पता सहारनपुर की टीम ने किस चीज से रहा और भाई मैं पुनः धन्यवाद कह रहा हूँ सहारनपुर जनपद को कि जितने भी धंधे हुए आंदोलन हुए इस जनपद का पहला थाना आप इस समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं सोचते तो मैं तो नहीं कट ये युवा जो हमारे ये धरातल को चले जाओगे ये जो कार्य ना बैठ का सुन लो ये सारे आला यू डाटा मार है और जी मैंने तो कोई रास्ता लिया निकल भी है तू को भाई निकल भी है अब लोग लड़ा लेंगे एक बार तो इलाज हो गया जो दूसरा पिताजी का है कि लड़ रहे हैं और ये बोल मैं बता रहा भाई मैं खुला मन से यहाँ का अधिकारियों को चेत करना चाह रहा वो मेरा क्या कश्मीर हो सहारनपुर वाले अपने घर में करो विनय त्यागी बदमाश नहीं है नेता है जो बात प्रमुख राज्य वाला भाई है अगर वो काम करेंगे ना अगर उसे आ जाएगी ना तो इसके ही बिहार के पर सफर के सरकार की और खुला मन से कह रहे दिमाग ठीक बदले दिमाग ठीक अगर बदले की भावना से काम करे ना किसी नेता भी नेता के कहते तो किसी भी मंत्री की कड़ी भावना सही कर देगी मेरा आप लोगों से सभी भाइयों का निवेदन है सभी पार्टियों का सम्मान करते हैं किसी पार्टी ना माली कोई नहीं लेकिन भाई एक काम कर लिया ये त्यागी जो है परशुराम मंसद है ये जो है ना पर्चा खा दिया ना कुशल कुशल होते गिरोगे हम भेद की मांग रहे भारत को हमारा अधिकार है हम आप देखो खाक में देख रहे गंदे करे ये सभी किसान बैठे और इन लोगों इसमें कम से कम 98% जो है प्याज भी नहीं भुगत रहे केसीसी का ठीक है हमने तुमसे पैर के ठीक ठाक से इनको उनका भी तरफ सरकार होगा जहां इन्होंने बैठकर
होटल में तो रेट भी दे तरह, उस होटल की एक चाय की कीमत 500 रुपए है भाई, और 20 रुपए बढ़ाकर पी बदल आ रहे, बहुत दे दिया बहुत दे दिया बहुत दे दिया, सारी ग्रोसरी उन्हें भी बोल रही 400 रुपए करने का रेट आ रहा। और भाई नहीं तो सुन लो बात, बड़े बड़े व्यापारियों का पट्टा माफी हो रहा भाई, हम इस मंच के माध्यम से माननीय योगी जी से और मोदी से ये निवेदन कर रहे हैं भाई, एक परिषद कंपनी वादा बनता भी और योगदान में जाकर इनका जो कर्ज है न के सी सी का भाई वो माफ कर दे बाबा, इसलिए किसान को हम इस मंच के माध्यम से सरकार समान कर रहे हैं। क्या बड़े बड़े भाई है बात कर दो, मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्या आपसी मनमुखा भूल कर अगर कोई गाली दे रहा ना, अगर कोई गाली दे रहा तो भाई अपने को कुछ करो, अपनी जेब में लो। और मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ का जो सीमा है जो उनका उसका ही एक शब्द मैं आपको बता रहा या सुननी पड़ रही हमें, यह कि था कि आप मंत्री की पैरेलल हो गया, मौका मंत्री काम है राजा, और मंत्री क्या हो, मंत्री मारे साथ मंत्री सुनिए, और यहाँ के मंत्री को सत्यता भी ले रहे गांव में लोगों का नहीं नाम रखा, एक मारे वाले कुछ को अपनी जेब में दे रखे हैं और कुछ का इलाज कर रहा, जो मारे वाले है ना मेरे तो मेरे है ही, पता तेरा इलाज हो जाओ क्यों बताएगी बात, अगर अगर किसी मंत्री ने, अरे भाई एक बात तो बताओ, अगर एक भारतीय चिट्ठी की निशान लगा ना तो माफी हुआ, तुम पूरे प्रदेश से हो, वहां जाकर से भी भावना यहाँ जाग लो भाई, यहाँ का बनना और मुझे मंगल में क्या बन रहे, यहाँ से खाना हल्दू बांध में हल्दू बन गया, हम क्या तो सुधर जाओ, और कमनी दे रखी योगी और मोदी को दे रखी, मोदी जी सब बात नहीं और तुम्हारी अब तक खार नहीं, योगी जी सब बात नहीं तुम्हारी अब तक खार नहीं, और भाई योगी जी मोदी जी कमनी सुन लो अखबार में पढ़ते हो गए, ये त्यागी है त्यागी, कभी गोरखपुर के मंदिर में जाकर वही पूजा करो, ध्यान रख दो इन सब बात कर लो आप, और ये ना हम और कुछ नहीं चाह रहा, मंगे राम त्यागी भी चाह रहा और निशन चाह रहा, ये जो हमारे लड़के किसी पार्टी पार्टी साल तक रहे ना, इन्हें चुनाव में रोलो लोकसभा के राज्यसभा चाहगी विधानसभा चाहगी भी चाह रही है, मैं तो एमएलसी भी, और भाई बैंकों के चार मार्च की बहुत बना दिए,
वो ले रहे थ्री टिंडी बोली संजीव आजाद ने दिया मुझे रखी पति गए पति गए उनने ना आपको बता रहा सुनाओ मुझे मैं कहने चाह रहा था लेकिन कहूंगा कपिल देव मंत्री राजू बारामला मुझे बुलाओ बैठा वहां सीता भाई को बुलाओ बैठा इसके मकान पर क्या किसी गोपाल बड़ा प्रमाण उन्होंने खत्म कर दिया मेरा कोई नहीं है विधानसभा चुनाव में लेकिन विधानसभा भवन कई नगर पालिका को भेज दिया और अभी वहां का जिला अध्यक्ष ने पाया चेयरमैन को और किसान ने बिटा लो महेंद्र राणा मगर विचार तभी हो गया जब हम लोकसभा चुनाव भरे याद करेंगे मैं आपको बता रहा भाई हाथ उठवा दो पाप पड़वा दो अरे पारों की चरणों की धूल है अपना सम्मान स्वाभिमान वापिस पा लो वापिस किसको रोका हुआ तो अभी पता हमारी किसे लड़ाई नहीं लेकिन जिनने भाजपा में आया भाई एक महीने को घर बांट दो और तमाम पिताजी फूफाजी चाचाजी कन्या चाचा कहेंगे देख बुलाओगे धन्यवाद क्या परशुराम क्या त्यागी समाज और भाई हमारे जितने भी प्रधान समाज के जितने भी प्रधान पीडीसी जिला पंचायत या कोई एमएलसी जैसा नौ जिलों का यही प्रधान भाई सबका हम दोनों जो संगठन हर उन्होंने को जाने का सम्मान करेगा आप आपके बढ़ते रहे हम आपकी पीछे बैठे और आपको अपना बढ़ाने का काम करेंगे धन्यवाद क्या प्रशुराम क्या जय हो।